हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में डेली लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चैत्री नवरात्र 2018 25 मार्च अष्टमी व नवमी कन्या पूजन विधि। नवरात्रि व्रत पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है और इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन श्रद्धा पूर्वक कन्या पूजन करना भी अति आवश्यक माना जाता है। पुराणों के अनुसार नवरात्रि व्रत व नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी रहती है। नवरात्रि के अंतिम दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से कन्याओं की पूजा के साथ ही उन्हें भोजन करवाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है। साथ ही अधिकतर लोग 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भैरव बाबा के रूप में भोजन करवाते हैं। इस वर्ष अष्टमी व नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। कन्या पूजन में 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। आज हम आपको कन्या पूजन करने की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कन्या पूजन के लिए प्रातः स्नान कर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे पूरी, हलवा, खीर, भुना हुआ चना आदि तैयार कर लें और अब सभी प्रकार के व्यंजन से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं। माँ को भोग लगाने के बाद 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं को कन्या पूजन पर बुलाएं। भोजन कराने से पहले कन्याओं के पैर शुद्ध पानी से धोएं और भोजन के लिए साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर बैठाएं। अब कन्याओं के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर माथे पर रोली का टीका लगाएं। माता रानी को जिस भोजन का भोग लगाया हो उसे सबसे पहले कन्याओं को प्रसाद के रूप में खिलाना चाहिए। कन्याओं को पेट भर भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा में चुनरी, रुपए, सुहाग की वस्तुएं जैसे लाल चुनरी, बिंदी व चूड़ी आदि वस्तुएं उपहार में दें। कन्या पूजन के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।